हत्या को रोकने के लिए पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत पूर्णिया के सदर अस्पताल परिसर स्थित एएनएम स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें निजी एवं सरकारी सभी डॉक्टरों को बुलाया गया था, किंतु अधिकांश डॉक्टर इसमें शामिल नहीं हुए और पूर्णिया सीएस के आदेश का सीधे तौर पर कुछ डॉक्टरों ने अवहेलना कर दिया, जिससे कार्यशाला का मकसद पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाया। इस पर पूर्णिया आरडीडी जगदीश प्रसाद ने कहा कि जो डॉक्टर कार्यशाला में नहीं आए हैं पूर्णिया सीएस उन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हालांकि पूर्णिया आरडीडी ने इस दरमियान कार्यशाला के मूल मकसद को भी बताया। पीटी एक्ट का बना कार्यशाला है, जिसमें जानकारी देना है कि ये 1994 से ही लागू है, लेकिन सही मामले में इसका अभी तक अमल नहीं हो रहा है। तो जितने लोग कर रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कर अपना खुले हुए हैं, उनको ये कार्यशाला है कि कैसे क्या करना है। खाली लिख देने से कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता है, इससे काम नहीं। जब तक हम लोग अपने दिल से इसको नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। इसी की जानकारी दे रहे हैं कि आप वैसे करने के लिए कि ये रजिस्टर मेंटेन करना ये करना कर लेते हैं, लेकिन करने के लिए हम तो देखे हैं यहाँ नहीं, दूसरे जिला में जब हम सी एस थे, दो फोटो भगवान के रखते हैं, एक देख दिया मैंने राम का, एक लक्ष्मी जी का। इशारा से पैसा कमाने के लिए लोग करते थे, अभी यहाँ कर रहे हैं कि नहीं ये हम नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा होता था। उसी के बारे में कि भाई अपना इच्छा मन से भीतर से चाहिए कि हम इस चीज़ को नहीं, गलत जो हम लोग प्रैक्टिस करते ये नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में कार्यशाला चल रही है, आप देखें यहाँ के लोग यहाँ से सीख के जाएँ कितना अमल करते हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि कितना ज़्यादा इसके चलते फ्यूटोसाइट फीमेल फ्यूटोसाइट की बच्ची जो घर में है उसको हत्या हो जाती है, जिससे मेल का रेशियो और फीमेल का बहुत अंतर पड़ रहा है और उसमें समाज में बहुत असर होता है। आज हम जाते हैं अपना लड़का के लिए लड़की खोजने, मिलता नहीं है। यहाँ तो अभी बिहार में कम, लेकिन राजस्थान पंजाब में इसकी बहुत कमी हो रही है। आप लोग सुनते हुए अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं पूर्णिया में, सभी के डॉक्टर आए हैं, बुलाया गया इसमें कितना अधिकांश नहीं आए, तो सर क्या लग रहा है कि इस पर सी एस साहब अपना उस पर कार्रवाई करेंगे, जो एब्सेंट हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे सी एस साहब।